ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर एट कंप्यूटर स्किल से। तो फ्लटर की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिस्टेड टाइल को। लिस्ट टाइल में का यूज़ हम नॉर्मली हमारी लिस्ट व्यू के अंदर ही करते हैं, जिसकी मदद से हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम हमारे लिस्ट व्यू के अंदर कर लेते हैं, जैसे कि आइकॉन लगाना, सब टाइटल, टाइटल, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर नॉर्मल सा बेसिक सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा हमारी ऐप का, ठीक है। तो यहाँ बॉडी के अंदर मैं पहले ले लेता हूँ हमारा लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन, ठीक है। इसको हम पहले रिफ्रेश करते हैं, आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं आएगा, अभी हमारा आउटपुट आएगा नल, ठीक है। ये हमारा नल आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। अब इसी के अंदर हम यूज करेंगे लिस्ट टाइल का। तो लिस्ट टाइल का यूज कैसे करते हैं, आपको लिखना है लिस्ट टाइल। तो चिल्ड्रन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट टाइल, ठीक है। तो लिस्ट टाइल के अंदर सबसे पहले हम इसका दे सकते हैं टाइटल। तो टाइटल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, और टाइटल को मेनली हम दे देंगे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, जैसा हम यहाँ पर टेक्स्ट को देते हैं उसी तरह से दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मान लीजिए डेमो टेक्स्ट, रिफ्रेश किया, ऑटोलोड हो गया हमारा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है। अब मान लीजिए कि यार इसका कोई डिस्क्रिप्शन देना है हमें, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको सबटाइटल का यूज़ करके हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो उसमें भी नॉर्मल सा हमारा टेक्स्ट ही यूज़ होगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया हमने, और यहाँ पर लिख देते हैं डेमो सब टाइटल, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके आउटपुट में भी हमें यहाँ पर डेमो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ यहाँ पर देखते हैं। अब इसी के बाद मान लीजिए यार कि आपको इसमें कोई आइकॉन लगाना है, तो आइकॉन कैसे लगा सकते हैं, इसमें आइकॉन भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। तो आइकॉन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं लीडिंग का। आगे की साइड आपको अगर आइकॉन लगाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीडिंग का। आगे की साइड कैसे, जैसे कि आपको आउटपुट में दिखाता है डेमो, इसके इस साइड में आपको यहाँ पर कोई आइकॉन लगाना है तो आप लीडिंग का यूज़ करेंगे, और पीछे के लिए हम ट्रेलिंग का यूज़ करते हैं। तो दोनों का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा लीडिंग, आइकॉन कैसे लगाते हैं, आइकॉन फिर हमारा ब्रैकेट आइकन्स डॉट, हमें आइकन किसका लगाना है, मान लीजिए मैं लगा देता हूँ पर्सन, लगा देते हैं हम एक पर सन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा आइकन का, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे इस साइड लगाना है आइकन कोई, तो कैसे लगाएंगे उसको, हम लगाते हैं ट्रेलिंग के थ्रू, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रेलिंग, तो सेम फंडा आइकन, फिर यहाँ लगाएंगे आइकन्स डॉट, मान लीजिए स्टार लगा देते हैं हम, S-T-A-R, स्टार, कंट्रोल एस और रीलोड, और यहाँ पर आउटपुट देखेंगे आप तो स्टार आने वाला है हमारा। भाई साहब ऑटो रीलोड नहीं हुआ क्या, ये क्या दिक्कत हो गई, स्टार क्यों नहीं आया हमारा। स्टार को इसने क्यों नहीं लिया, ठीक है काम करते हैं, इसको वापस से ऑटो रीलोड कर लेते हैं नाम चेंज करके एक बार। स्टार को पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, तो और कुछ नाम डाल देते हैं, मान लीजिए होम डाल देता हूँ मैं, आइकन्स डॉट HOME, ठीक है। ऑटो रीलोड किया, अब हमारा होम यहाँ पर आ जाना चाहिए ट्रेलिंग में। अरे भाई साहब आ रहा होगा, हमने ये खसका के रखा हुआ है ना हमारा आउटपुट का, तो ये हमारी गलती है, वो पहले भी आ गया होगा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है ट्रेलिंग का भी, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमको पैडिंग करना हो, सबके बीच में हमको क्या करना हो, पैडिंग करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट पैडिंग, और किस तरह से करते थे पैडिंग, हम एच इंस्टेड डॉट ऑल कर लेंगे यहाँ पर, हम मान लीजिए
वैल्यू डाल देते हैं 20, तो 20 की हमारी सब दूर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 20 की पेडिंग तो अभी दिख नहीं रही है, थोड़ी सी पेडिंग और बढ़ाते हैं हम, मान लीजिए 40 की करते हैं, लगना चाहिए ना कि पेडिंग हो रही है भाई साहब। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ से इस साइड से हमारी थोड़ी सी पेडिंग आ चुकी है 40 की है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पेडिंग भी दे सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि सिलेक्टेड आइटम को हम कैसे रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ दो आइटम की लिस्ट हो, जैसे कि इसको ही हम एक बार और कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट स्टाइल को यही वाली, ठीक है, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप, आई होप आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो उससे आपको जल्दी समझ पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब एक लिस्ट स्टाइल आ जानी चाहिए हमारी, आ जानी चाहिए क्या, बिल्कुल आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारी लिस्ट स्टाइल यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए ये वाली जो है इसको मेरे को बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना है, तो उसको हम कैसे रख सकते हैं, तो उसको रखने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्टेड, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर क्या, ट्रू, और यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, और आप देख सकते हैं कि दोनों में से एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ जाएगी। इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा शायद तक, या हल्का सा अल्टर आ रहा होगा कुछ, ये देख सकते हैं, हाँ ये इसका कलर हल्का सा चेंज है हमारा। आप गौर कीजिए कि इसका कलर जो है अलग से, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ी प्रॉपर्टीज को आप पढ़िएगा जिससे कि आपको समझ पड़ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि यार ये जो हमारी लिस्ट है ये ऑन टेप्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको ऑन टेप्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ऑन टेप फंक्शन का यूज़ करना है जिसकी मदद से ये हो जाएगी हमारी ऑन टेप। तो ऑन टेप को कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं हम, जैसा हमने बटन में करके देखा था, ठीक है, और इंक्वेल वगैरह भी पढ़ा है हमने, उसके अंदर भी करके देखा है, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है हमारी, ये देखिए, ये हमारी क्लिकेबल हो गई है, ऑन टेप वाली हो गई है। इसमें ऑन लॉन्ग प्रेस वगैरह भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। तो लिस्ट स्टाइल में कुछ इस टाइप की आप प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तो हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट जो मेनली काम आती है वो सारी को हमने पढ़ ली है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ का